हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम एक अनबॉक्सिंग करने वाले हैं ऐसे डिवाइस की जो कि आजकल काफ़ी डिमांड में है और लोग इसको काफ़ी जम के यूज़ कर रहे हैं। तो मुझे भी लगता है कि ये ऐसा डिवाइस सबके पास होना ही चाहिए क्योंकि काफ़ी हैंडी रहता है और काफ़ी यूज़फुल भी है। तो जो भी मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं और म्यूज़िक सुनने वाले या कॉल जिनकी ज़्यादा रहती है, उनको तो ये डिवाइस लेना ही चाहिए। तो ये आज मैं जिसके अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ, रिव्यू करने वाला हूँ, वो प्रोडक्ट है रियलमी का, रियलमी टेक लाइफ बड्स T100 इसका मॉडल नंबर है। ये हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ है, यानी कि ये परसों ही लॉन्च हुआ है 24 अगस्त को फ्लिपकार्ट में। तो मैंने इसको मंगा लिया है, तो मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। तो पहले आपको ये बता दूँ कि ये किसी भी प्रोडक्ट का या फ्लिपकार्ट अमेजोन वगैरह की किसी की भी प्रमोशन नहीं है। मैंने ये अपने पर्सनल यूज़ के लिए लिया, तो मुझे ये कैसा लगा उसके लिए मैं आप लोगों के लिए इसका रिव्यू कर रहा हूँ। तो आइए पहले इसको खोल लेते हैं। एक्चुअली तो आधा तो मैंने इसको खोल ही रखा है, तो फिलहाल यहाँ से निकालते हैं इस डिवाइस को। ये इसका बॉक्स है छोटा सा और इसके अंदर ये निकलता है ये ईयरबड्स का केस। तो बॉक्स की पैकिंग आपको दिखा दूँ, ऊपर यहाँ पर प्रोडक्ट बना हुआ है, साइड में इनके कुछ स्पेसिफिकेशन है और यहाँ पे इसके कुछ डिटेल्स वगैरह, MRP वगैरह। तो और फिलहाल बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है, इसको रखते हैं साइड पे। और ये है इसका केस जो कि कुछ इस तरह के पैकिंग में आता है। तो यहाँ आगे पीछे कुछ नहीं है। इसके अंदर एक और थोड़ी सी पैकिंग है, इसके अंदर है इसका मैनुअल वगैरह, तो इसको भी देखेंगे। पैदल मैनुअल और ये सब चीज़ें साइड पर रखते हैं और निकालते हैं सबसे पहले ये केस। तो ये है इसका इसका कुछ केस इस तरीके का, प्लास्टिक का बना हुआ, काफ़ी अच्छी बॉडी का है, प्रीमियम क्वालिटी लग रही है मेरे को इसकी, जो दिखने के काफ़ी भी दिखने में भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो इस केस के अंदर हैं दो ईयरबड्स और यहाँ पे एक इंडिकेटर लाइट का और ये है इसका चार्जिंग पॉइंट। तो जब हम इसको खोलेंगे और आपका ब्लूटूथ कनेक्ट होगा, ऑन होगा, तो ये ईयरबड्स आपके फ़ोन के साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएंगे। तो मैं इसको खोलता हूँ। खोलते ही यहाँ पे देखिए आपको हरी ग्रीन लाइट दिख रही होगी, इसका मतलब ये आपके फ़ोन के साथ कनेक्शन कर रहा है। और ये दो ईयरबड्स उसके, ये राइट का ये लेफ़्ट का, राइट वाला राइट स्लॉट में जाता है और लेफ़्ट वाला लेफ़्ट स्लॉट में। ये नहीं कि आप इसका इधर या इसका उधर डाल दें। तो जब तक ये इस केस के अंदर रहते हैं तो ये ईयरबड्स आपके चार्जिंग भी होते रहते हैं इसमें। तो सबसे पहले ये निकालते हैं, ये कुछ इसका इस तरीके से केस है। नीचे चार्जिंग पॉइंट आपको दिख रहे होंगे और तो यहाँ पे कुछ नहीं है। इसको बंद करके रखते हैं साइड पे। ये है इसके ईयरबड्स, आपको पास से दिखाऊं थोड़ा। तो ये इसका राइट का और ये इसका लेफ़्ट का। दोस्तों इसकी प्रोफाइल की बात करूँ तो ये यहाँ पे आपको दो माइक दिख जाते हैं, एक माइक है नीचे की तरफ और एक माइक है ऊपर की तरफ। और ये आपके ईयर प्लग है, ये अंदर चला जाता है सुनने के लिए। और साइड के प्रोफाइल की बात करूँ तो ये वाला जो पोर्शन है ये है इसका टच पैनल। आप अगर कॉल अटेंड करनी हो, म्यूज़िक सुनना हो, तो आप यहाँ पे टच करके भी अपने हिसाब से उसको काम में ले सकते हैं। सपोज जैसे आपकी कॉल आ रही है और आपने कॉल को अटेंड करना है, यहाँ आप डबल टैप करेंगे तो आपकी कॉल अटेंड हो जाएगी, मतलब पिक हो जाएगी। और अगर आप इसको 3 सेकेंड के लिए प्रेस करके रखेंगे तो वो कॉल जो है वो आपकी डिस्कनेक्ट हो जाएगी। ऐसे ही अगर आप म्यूज़िक सुन रहे हो तो अगर इसको आप प्रेस करके रखेंगे राइट वाले को तो वॉल्यूम अप होगा, लेफ़्ट पे प्रेस करके रखेंगे तो वॉल्यूम डाउन होगा। और अगर आप पॉज करना चाहते हैं, दो बार इसको टैप कर दीजिए तो आपका म्यूज़िक पॉज हो जाएगा, फिर दोबारा से दो बार टैप करेंगे तो म्यूज़िक आपका चलने लगेगा। ट्रैक चेंज करना हो तो इसको 3 बार टैप कर दीजिए, आपका ट्रैक चेंज हो जाएगा। तो ये तो बात थी इन ईयरफोन्स की, जो कि मेरे को दिखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, इनकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है और ये थोड़े से दिखने में भी सुंदर लग रहे हैं। अब बात करते हैं कि इस बॉक्स के अंदर और क्या था। इसके अंदर ये इसका मैनुअल जिसमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन और कैसे इसको ऑपरेट करना है उसके बारे में बताया गया है। तो बहुत ज़्यादा तो कुछ ऐसा है नहीं इसके अंदर, बस कॉल कैसे डिस्कनेक्ट करना, म्यूज़िक मोड, कॉल अटेंड, अदर एप्लीकेशन वगैरह जो है वो आप इससे पढ़ सकते हैं। साथ ही में मिलती है एक चार्जिंग केबल टाइप सी का, इसके अंदर चार्जिंग पॉइंट रहता है। आप यहाँ पर अपना चार्जर लगाइए और इसको लगा दीजिए आप इस डिवाइस के बैक साइड पे। यहाँ पर इसको इस तरीके से, और इसको आप अपने चार्जर पे लगा देंगे
जो कि फ़ोन का चार्जर होता है, तो ये डिवाइस जो है चार्ज होना शुरू हो जाएगा और डिवाइस के साथ साथ जो अंदर ईयरबड्स हैं वो भी चार्ज होना शुरू हो जाएंगे। कंपनी क्लेम करती है कि इसकी अगर मैं बात करूं तो ये कहते हैं कि बैटरी इसकी 28 आवर्स का प्लेबैक दे सकता है, 10 mm का इसके अंदर ड्राइवर है, बस ड्राइवर, और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का जो वर्जन है वो है 5.3। एंड यहाँ पर कुछ और स्पेसिफिकेशन है, आप कॉल वगैरह अटेंड करने के लिए, या वाटर रेसिस्टेंट है ये जैसे कि इसमें बताया गया है। और ये MRP इसका है 2,999 रुपये, मुझे ये सेल्स के अंदर मिला क्योंकि अभी सेल्स इनकी शुरू हुई थी, परसों इन्होंने लॉन्च किया है तो मैंने ले लिया था, तो ये मेरे को पड़ा 1,299 रुपये का, मतलब 1,300 रुपये का। लेकिन अगर आज मैं इसकी प्राइस चेक करूँ तो ये 200 रुपये और बढ़ गए, तो हो सकता है आने वाले टाइम में ये जो इसकी MRP है उसके आसपास का ही ये आ जाए। तो मुझे तो ये फ़िलहाल देखने में बहुत अच्छा लगा, मैंने इसका भी आधा दिन यूज़ किया है, साउंड क्वालिटी इसकी अच्छी है, कॉल की क्वालिटी भी अच्छी है। जो हैवी बास वाले यूज़र हैं वो थोड़े से डिसअपॉइंट हो सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा बास सोनी या JBL की तरह तो नहीं है, बट हाँ, लेकिन आपके जो पर्पस है वो उसको ये सॉल्व करता है, म्यूज़िक इसके अंदर आराम से सुन सकते हैं। और 10 मीटर इसके ब्लूटूथ की रेंज है, आप अपना फ़ोन अगर इधर उधर रख के भी अगर इसको सुनते हैं तो आप आसानी से सुन सकते हैं। तो मेरे को तो ये प्रोडक्ट अच्छा लगा, आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मैं ऐसे ही वीडियो लाता रहूँगा। फिर मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।